आज मैं आपको ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इंडिया में पहली दवाइयों की कंपनी स्टैब्लिश की थी और उन्हें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उनका इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हेल्थ सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो एक अमीर परिवार से आते थे, फिर भी उन्होंने बहुत ही सिंपल लाइफ जी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करिए अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। Download the app now. ये कहानी है एक जीनियस केमिस्ट प्रफुल्ल चंद्र रॉय की, जिन्होंने एक मॉडर्न और डेवलप्ड इंडिया का सपना देखा था। जैसा कि मैंने कहा, उनका जन्म एक वेल्दी लैंडलॉर्ड यानी जमींदार की फैमिली में हुआ था और उनकी स्कूलिंग कलकत्ता में हुई थी। इन 1874 रे को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा जिसके कारण उन्हें उनकी स्कूल छोड़नी पड़ी, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। वो दिन रात बड़े बड़े साइंटिस्ट की बायोग्राफीज पढ़ते थे, साइंस के आर्टिकल्स में डूब जाते थे। मॉडर्न इंग्लिश, बंगाली लिटरेचर, हिस्ट्री, ग्रीक, लैटिन से लेकर फ्रेंच जैसी लैंग्वेजेस भी उन्होंने सीख डाली। 1882 में उन्हें BSc के लिए एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिली और यही नहीं, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक लेक्चरर की तरह शामिल भी हो गए। रे ने केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस और केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में 100 से भी ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स लिखे और 1896 में उन्होंने एक नए केमिकल कंपाउंड मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज की। उन्होंने अलग अलग मेटल्स के नाइट्राइड्स और हाइपोनाइट्राइड्स के बारे में बहुत सारी खोजें की, बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए। उन्होंने इसके दौरान केमिकल साइंटिस्ट की एक आर्मी खड़ी कर दी और साइंटिफिक कम्युनिटी में कई लीडरशिप पोजीशंस को भी निभाया। रे को लगता था कि इंडिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसीलिए उन्होंने इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया। यही नहीं, 1923 की बंगाल फ्लड्स में भी लोगों को बचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो एक साइंटिस्ट ही नहीं, क्रांतिकारी भी थे। उनके सपनों का भारत बनाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था और इंडिया के असली हीरो ऐसे साइंटिस्ट ही हैं जिन्होंने इंडिया में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो आइए ऐसे साइंटिस्ट को सल्यूट करते हैं। और अगर आप और ऐसी कहानियां जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल में। अगर आपको जानना है कि साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, रिसर्च या साइंस में कैसे प्रिपरेशन करते हैं, करियर कैसे परस्यू करते हैं, तो आप हमारे चैनल में जा सकते हैं। आप हमारा ऐप साइएस्ट्रा डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं। अगर आपको प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जैसे कि आइजर्स, नाइजर, ISC बैंगलोर, ISI CMI में एडमिशन लेना है तो विद दैट ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।